आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है, अचानक से आपको याद आता है या अचानक से आपको हिट होता है कि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ, या अपने दोस्तों की तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी फैट क्यों हूँ, या आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं कंपेयर करने के लिए, सो आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं, एंड देन एंग्जाइटी हिट्स यू. एंग्जाइटी की फीलिंग कैसी होती थी मुझे बिल्कुल पता नहीं था पहले, बट जब मुझे एंग्जाइटी ने हिट किया मुझे तब पता चला कि बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हुआ था जब मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था. कुछ ही समय बाद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी मुझे. वो मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि फ्यूचर में आपकी सिचुएशन कैसी होगी, आई डोंट नो क्या होने वाला है मेरे साथ. और जब आप बीमार होते हैं ना, फिर आप वर्स 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 प्लान करते रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं. उसके चलते एंग्जाइटी हुई मुझे. एंग्जाइटी एक बहुत ही बुरी फीलिंग है, ऐसे लगता है कि आपके दिल पे हाथी बैठा हुआ हो. लाइक इतना हैवी फील होता है, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, एंड दिल की धड़कन बढ़ जाती है. अचानक से इतना डर लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं चलता है कि ये डर की वजह क्या है. कई बार कोई वजह नहीं होती है, जैसे मैंने कहा कि दिन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थे या नॉर्मल भी थे, अचानक से ये हवा की तरह आता है या ना आपको परेशान कर देता है. अभी एंग्जाइटी में क्या किया जाए, बहुत सारे लोग इससे डील करते हैं. लेटर एंग्जाइटी एक बुरा रूप ले लेती है जिसको डिप्रेशन कहते हैं, जो कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, बट जो बंदा डिप्रेशन से डील करता है उसे पता है कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है. एंड आप अपने थॉट्स के ब्लैक होल में जाते रहते हैं, एंड वो कभी एंड नहीं होता, एंड आपकी सिचुएशन को कोई भी बंदा समझ नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड थेरेपी लेना भी इतना ईजी नहीं है, एक इतना थेरेपी लेना कितना एक्सपेंसिव भी है, एंड बहुत बार आप बहुत सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर करने से डरते हैं. सो मुझे बहुत रेगुलर बेसिस पे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं. एंड आपको पता है कि मैं हेयर देयर शेयर करती हूँ कि मैं मेडिटेट करती हूँ. मेडिटेशन आपको ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप एंग्जाइटी में हो या डिप्रेशन में हो, पर मैं आपको तरीका बताऊँगी क्या क्या करें जिससे आप थोड़ा बेहतर फील करें. मैं मेरी मेडिटेशन की जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ आपके साथ. 2020 में हम लोगों ने इनर इंजीनियरिंग की थी सदगुरु से. इनर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको आपके अंदर की इंजीनियरिंग सिखाता है कि आपको कैसे जीना चाहिए हैप्पीली, फुली अपनी ज़िंदगी को जीने का बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही आसान तरीके से. एंड वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है कि कैसे आप एक अच्छे इंसान बने जो कि अपने लिए भी अच्छे हों, अपने साथ वाले लोगों के लिए भी, और अपनी सोसाइटी एंड अपने देश के लिए भी. मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अगर करना चाहें तो बहुत अच्छा है. उसके बाद 2022 में हम लोगों ने की है शांभवी महामुद्रा, जिस जो कि एक योगिक प्रैक्टिस है जिसमें कुछ आसन हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशन है, एंड और भी कई चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो गुरु से ही इनिशिएट होना पड़ेगा आपको, तभी वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके ऊपर. वही मेडिटेशन है, एंड पर आजकल मैंने दो चार चीज़ें अपने तरफ से कुछ और भी ऐड की हैं. सो ये है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की या मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. इसके बारे में हम एलैबोरेट करके फ्यूचर में ज़रूर से बात करेंगे. जब ये मैं शेयर करती हूँ तो बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि वो अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे शुरू करें. मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं पता नहीं आपको बता सकती हूँ या नहीं. मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप किसी गुरु को फॉलो करें. अगर आप सदगुरु में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी और गुरु में, तो आप उन्हें फॉलो करें, क्योंकि एक टीचर ही आपको अच्छे तरीके से सिखा सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एंड उन्हीं को पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. पर जो दोस्त ये नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ शेयर करूँगी कि आप क्या कर सकते हैं. आप अपनी एक रूटीन बना लें जिसमें आप शुरू करें किसी भी योगा के पोजेस के साथ. दो तीन पोजेस इजी आप चूज़ कर सकते हैं. बटरफ्लाई पोज मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो हमारे मूलाधार चक्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो हमारे बिल्कुल बेस वाला रूट चक्र है उसके लिए. वो कर सकते हैं आप 2 मिनट के अराउंड. देन आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें 4-5 मिनट के लिए. आप कपाल भारती कर सकते हैं या अलोम विलोम कर सकते हैं आप. उसके बाद आप करें कोई भी जपा, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन में आप विश्वास करते हैं, जो भी आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है
उसका जाप करें। अगर आप गॉड में विश्वास करते हैं तो आप सिर्फ गॉड ही कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी नाम से बुलाएंगे आपके दिल में जैसी अच्छी प्यारी श्रद्धा है वो सही बंदे को ही पहुंचेगी एंड वही सुनेगा। गॉड बोलें, अल्लाह बोलें, वाहेगुरु बोलें, राम बोल सकते हैं या कोई मंत्रा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओम नमो शिवाय कर सकते हैं या जो भी देवता आपको पसंद है उनका मंत्र बोलें। आप 5 माला से लेके 15 माला तक पढ़ सकते हैं, 100 माला तक पढ़ सकते हैं, नॉन नेवर एंडिंग। सो एक माला में 108 बीड्स होते हैं, सो हर एक बीड के साथ एक बार आपको उनका नाम लेना है। अच्छे से योगा आसन में बैठे, चौकड़ी मार के बैठ जाए क्रिस क्रॉस करके, एंड अपने हाथों की मुद्रा ऐसा बना सकते हैं आप। पर अगर आप माला पढ़ेंगे तो एक हाथ को आप सीधा ऐसे रख सकते हैं अपनी गोदी में एंड दूसरे से आप माला पढ़ सकते हैं राइट हैंड से, जो भी आपका राइट हैंड जिससे आप लिखते हैं, जो आपका कार्मिक हैंड है। अगर आप लेफ्ट से लिखते हैं तो आप लेफ्ट से माला जपेंगे, पर अगर आप राइट हैंड आपका कार्मिक हैंड है जिससे आप लिखते हैं तो इससे माला जपेंगे एंड दूसरे को ऐसे रखेंगे, चौकड़ी बना के बैठ जाएंगे। जब हम चौकड़ी बना के आसन में बैठते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो सब पे हमेशा गिरती रहती है, जो भी इस एंगल में होगा वो सबसे ज़्यादा उसको रिसीव कर पाएगा, एंड इसलिए आसन में बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल इरेक्ट करके, सीधा करके। सो वैसे आप मंत्रा पढ़ें, एक माला पढ़ लें, 5 पढ़ लें, 15 पढ़ लें, 100 तक पढ़ सकते हैं या जितना भी आप कर सकते उतना करें। जब आपकी माला डन हो जाती है तो आप मेडिटेट करें। सो उसके लिए भी आप चौंकड़ी मार के बैठे रहें क्रिस क्रॉस करके, एंड मुद्रा को अपने हाथ की ऐसे रख सकते हैं, तीनों उंगलियां स्ट्रेट एंड देन ऐसे रिंग बना के सो इसको अपनी घुटनों पर रख लें चौंकड़ी। मैं आपको यहाँ पर ना पोज के पिक्चर शेयर कर दूँगी कि ऐसे बैठना चाहिए आपको। दूसरा बहुत अच्छा मुद्रा है कि आप दोनों हाथों को ऐसे फंसा लें एंड अपने ये अंगूठे के टिप्स को ज्वाइन कर लें ताकि आप पूरी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर पाए। इस मुद्रा की पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसमें बैठ के आप मेडिटेट करें, 5 मिनट से 45 मिनट तक का आप ध्यान लगा सकते हैं। अब आपको सिर्फ चुप करके बैठना है एंड अपने ध्यान को यहाँ पे केंद्रित करना है एंड अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश मत करें, क्योंकि थॉट्स को कंट्रोल करने का थॉट भी एक थॉट ही है। सो थॉट्स आते रहेंगे, आने दें जाने दें, बट आप पीस के साथ बैठे। जब आपको याद आता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो अपने ब्रीदिंग पे ध्यान लेके आए। ऐसे 5 से 15 मिनट बैठे, मिनिमम 5 बैठे, 45 मिनट तक इसको खींच सकते हैं। जितना आप बैठते रहेंगे हर दिन आपके थॉट्स थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे, लेटर फ्यूचर में थॉट्स कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे आप बिल्कुल, पर उसको कंट्रोल करने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप शांति से बैठते हैं या सोते हैं तो आप अपने ऑर्गन्स को बोलते नहीं हैं कि आप बस चलना बंद कर दो, वो चलते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वैसे ही आपके थॉट्स हैं वो आपका ब्रेन चलना बंद तो करेगा नहीं, अनलेस वो बंद कर देगा तो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, विचारों को आने दें। और जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो फिर आप अपने सांस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिटेशन की वीडियोज़ है, जो बहुत एक्सपर्ट है लोग उनकी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं बस अपने विचार या अपना तरीका बता रही हूँ आपको। जब आपका ये 5 और 45 मिनट्स तक ध्यान हो जाता है तो आप त्राटक कर सकते हैं, उसमें अपनी आँखों को फोकस करते हैं किसी भी पिक्चर पे, किसी मूर्ति पे या फिर किसी लाइट बल्ब पे या जैसे दिया जल रहा हो या फिर कोई भी चीज़ ना हो, अपने आईब्रोज़ को आप ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके देखें 5 मिनट के लिए। ये चीज़ करें, इससे ना आपका फोकस बहुत बढ़ेगा एंड लेटर आपकी मेडिटेशन में हेल्प होगी एंड इसके फ्यूचर में मैं आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगी। पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि फिर आप आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर आपका विजन भी ब्लरी हो सकता है। सो ये 4 चीज़ें करनी है आपको। सबसे पहला है कि कोई योगा के पोजेस करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, हम थोड़ा मंत्रा पढ़ेंगे, जपा करेंगे, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, देन हम ध्यान करेंगे एंड उसके बाद त्राटक करेंगे, देन यू आर गुड टू गो। धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करें, 2-2, 5-5 मिनट से, एक एक माला से लीटर हम बढ़ाते जाएंगे। पर प्लीज़ इस चीज़ को करें, ये आपकी एंग्जाइटी को इतने ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल करेगा, आपको इतना पीस देगा,
पहले दिन से ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ महीने लग सकते हैं इस चीज़ को। आप कितने प्योर हैं, कितने पॉजिटिव हैं और आपके अंदर कितनी वाइट एनर्जी है, उतना ही ये जल्दी काम करेगा। जितना आप अच्छे थॉट्स वाले बंदे हैं, जितना आपका दिल अच्छा है, उतनी ही जल्दी ये चीज़ें काम करनी शुरू कर देंगी। आप कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितनी जल्दी आप दूसरे के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, उतना ही ये लेट काम करेगा। सो इसके चलते चलते आप अपने विचारों को भी थोड़ा पॉजिटिव कर ले एंड थोड़ा अपने करेक्टर में और ज़्यादा सफ़ेदी लेके आए, मलिन विचारों को थोड़ा दूर करें। सो ये चीज़ें भी जल्दी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आप के पास समय है तो इनर इंजीनियरिंग करें। सो आपको बहुत सारे विचार एंड बहुत सारी आपकी क्वारीज उसमें क्लियर आउट हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि बाहर की जो भी सिचुएशन होती हैं उससे आपके अंदर की सिचुएशन का कोई ताल्लुकात नहीं है, बहुत कम होता है। बाहर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब कर लेते हैं अंदर से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मैं इन रिश्तों में से बाहर आऊँगा तो बहुत अच्छा हो जाऊँगा। आजकल बहुत लोगों को लगता है कि डिवोर्स होने के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे या शादी होने के बाद बहुत अच्छा होगा, पर वो सारा कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। आप उस रिश्ते में हैं या नहीं हैं, आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। सो यस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अब आपके साथ मैं मेरा डिनर शेयर करने वाली हूँ कि आज हमने क्या बनाया। आज मैंने मशरूम 65 बनाया था, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है कहीं पे अगर आप देखना चाहें, पर यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था, ज़रूर से ट्राई करना। सो रोज़ रोज़ ना सेम फूड खा के भी बंदा बोर हो जाता है, तो आज वैसे कुछ खाने का मन नहीं था पर फिर भी मैंने सोचा मशरूम बनाते हैं। मशरूम मुझे बहुत अच्छी लगती है समहाउ। सो आज बनाने वाले हैं मशरूम 65। सो सबसे पहले लेंगे गार्लिक, गार्लिक को प्यार 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 से छील लेंगे एंड देन अनियन, अनियन को भी बहुत अच्छा चॉप कर लेंगे एंड गार्लिक को भी प्यारा बारीक चॉप कर लेंगे। बेसिकली इसमें सिर्फ गार्लिक, अनियन एंड ग्रीन चिली ऐड करती हूँ मैं, समटाइम वो भी स्किप कर देती हूँ, सॉस ही ऐड कर देती हूँ। सो ज़्यादा इन्ग्रीडियंट नहीं है इसमें। अभी मशरूम को अच्छी तरह क्लीन करके इसकी डंडियाँ काट देंगे एंड देन हम बैटर तैयार करेंगे मशरूम्स के लिए। उसमें मैं डालने वाली हूँ फ्लावर, ऑल पर्पज फ्लावर, उसमें सॉल्ट, पेपर एंड पानी डाल के अच्छा पतला सा घोल बनाएंगे एंड हमारी मशरूम को अच्छी तरह डिप करके मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। एंड हिम्मत मशरूम खाता नहीं है तो इसके लिए मैंने ये पास्ता बनाया था साइड पे और इसे बहुत अच्छा लगा। डिलीशियस।
थैंक यू मम्मा। बाहर का नज़ारा देखे, अभी मार्च फिनिश होने वाला है, हमें लगा कि थोड़ा बेहतर हो जाएगा, पर एक बार फिर थोड़ी सी स्नो पड़ गई है, आई थिंक ऑल ओवर कैनेडा पड़ी है। सो कुकिंग मेरी जारी है, फ्राई कर रही हूँ मैं, एंड उसके साथ मैं कुछ देख रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा एडिट करते हुए कि मैं क्या देख रही थी, पर यार कितना फोकस करके ध्यान से, क्या कुछ रह ना जाए, कोई सीन मिस ना हो जाए, क्योंकि जब मैं देखती हूँ मैंने पूरा होता है कि कोई भी चीज़ मुझसे मिस ना हो। ओके, मशरूम फ्राई हो चुकी है, अब जल्दी से तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले पहले गार्लिक डालेंगे, जब गार्लिक थोड़ा कच्चा ही होगा तो हम अनियन ऐड कर देंगे। देन ये वाली सारी चटनी ऐड करूँगी मैं, आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी इसमें है। ये सैजवान चटनी, एंड देन ये रेड चिली सॉस, थोड़ी सी डार्क सोया सॉस, एंड लिटिल बिट केचप, दैट्स इट। इनको ऐड कर देंगे अपने स्वाद के अनुसार, एंड इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देन थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और कोई मसाला ऐड नहीं किया जाएगा। देन मशरूम को इसमें डालने के बाद हम अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे, एंड ये इतना खूबसूरत एंड डिलिशियस स्नैक है, अगर आप पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो ट्राई करना, सब लोग फैन हो जाएंगे आपके मशरूम के। मैंने ये ट्राई करके देखा है, हमेशा काम करता है। ओके, सो खाने वाली हूँ मैं। वैसे ये मशरूम को आप खा सकते हैं फ्राइड राइस के साथ या जास्मिन राइस, एंड ऐसे भी एज अ स्नैक खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनता है। मुझे मशरूम फॉर सम रीज़न ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, जो लोग मशरूम को नहीं पसंद करते उनकी भी वो फेवरेट हो जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा कि मशरूम है, इतना ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर है, ज़रूर से ट्राई करना, बहुत आसान है। ऑल इट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड प्यारा प्यारा कमेंट छोड़ना नीचे, एंड आप अपनी कोई एंग्जाइटी वाली स्टोरी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगी।